हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने हमारी पहली वाली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हमने विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके वहां पर हमारे भागफल शेषफल को ज्ञात किया था। और अगर हमें बहुपद के शून्यक नहीं दिए हुए थे तो हमने अपने बहुपद के शून्यक को भी वहां पे निकाला था। हमारी एक्सरसाइज वहां पर चल रही थी 2.3 बहुपद में चैप्टर नंबर 2। हमारी एक्सरसाइज के दो सवाल रहते थे। आइए चलिए देखते हैं कि उन दो सवाल का जो सल्यूशन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपका ये एक बहुपद है जिसको आप भाग कर रहे हैं जी एक्स से, देने पर भागफल और शेषफल आपको ये गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, जी एक्स। आपको मैंने बताया था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ जो हमें दिया हुआ है भागफल, हमें दिया है यहाँ पे भागफल आपका आ रहा है x माइनस 2 और शेषफल आपका आ रहा है यहाँ पे माइनस में 2x प्लस में 4। px आपके पास यहाँ पे आ रहा है x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। ये आपका आ रहा है भाज्य। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमारा भाजक। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको बोल सकते हो भाज्य। तो भाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो विभाजन एल्गोरिथम है उस वाले फॉर्मूले में जो जो चीजें हमें दी हुई है वहां पर हम ये चीजें रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रखेंगे x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर होगा आपका जी एक्स क्यू। आपका भागफल जो है वो दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस में आपका जो शेषफल है, शेषफल आपको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस में 4। अब इस वाले मान को हम ले आते हैं इधर की साइड। आपको पता है जब हम साइड चेंज करते हैं तो हमारे साइन भी चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस बन जाता है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ये माइनस है तो इधर आके आपका बना प्लस और ये प्लस है तो इधर आके बना माइनस जी एक्स एक्स माइनस में 2। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्व करने पे क्या आता है, x की 3, x की 2 का और कोई नहीं है तो ये ऐसे के ऐसे लिखेंगे, यहाँ x यहाँ 2x तो ये बना 3x, ये 2 ये माइनस 4 तो यहाँ बना माइनस का 2 बराबर में जी एक्स एक्स माइनस 2। अब हम दोनों साइड किससे भाग कर दें, x माइनस 2 से, तो ये क्या बनेगा x की 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2 बटे में x माइनस में 2, जो हमें क्या मिल जाएगा जी एक्स। और हमें निकालना भी क्या है, इसमें हमारा जी एक्स ही फाइंड करना है। तो यहाँ हम जी एक्स जब निकालेंगे भाग देके, आपको भाग देना हमने हमारी पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे भाग दिया जाता है, x माइनस 2 x की 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। हम यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ x की घात है 3 और यहाँ हमारे पास दिया हुआ x की घात 1, तो आपको कितनी घात और चाहिए 2, तो आप इसको गुणा करेंगे x की घात 2 से। 2 से गुणा जब किया तो ये मिला x की 3 माइनस में 2x की 2, यहाँ हमने गुणा किया था x की 2 से, माइनस प्लस ये कैंसिल आपकी और यहाँ बनता है माइनस का x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। आप देखेंगे यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ x की घात है 2, तो x की घात 2 लेने के लिए एक तो हमें चाहिए यहाँ x और एक चाहिए माइनस, तो हम माइनस x से गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस x की 2 माइनस माइनस प्लस 2x। हमने किससे गुणा किया, माइनस x से, तो ये बना प्लस ये बना माइनस।
तीन में से दो गई तो आपको मिला एक माइनस दो। अब आप देखेंगे यहाँ एक्स है, इसका आपके पास जो गुणांक है वो वन आ रहा है, तो आप किससे गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो सिर्फ हम गुणा करेंगे वन से। तो वन से आपने गुणा किया तो आपको मिलता है ये, आपने यहाँ गुणा किया था एक से, तो यहाँ आपने जब साइन चेंज किए तो ये आपको मिल गया, आप यहाँ लिख सकते हैं जीरो। शेषफल आपका यहाँ आ गया है जीरो। तो जो आपको जी एक्स यहाँ पे निकालना था वो क्या निकल के आया हमारा, जी एक्स बराबर होगा हमारा, जब हमने इसको इससे भाग कर दिया तो जी एक्स हमारा मिला एक्स की दो माइनस एक्स प्लस एक, ये हमारा मिला है हमें अपना आंसर। हमारा आंसर क्या है, एक्स की दो माइनस एक्स प्लस एक। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा हमें ये तीन ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो इन जो भी हमारी कंडीशंस दी हुई है उनको सेटिस्फाई करें। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास हमें पता है कि हमने यह फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ आपको घात दी हुई है पी एक्स और घात क्यू एक्स। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ये पी और क्यू की घात जो है आपको बराबर होगी। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पी एक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे तीन एक्स की दो प्लस में नौ, और हमारा जो यहाँ पर जी एक्स है उसको हम ले लेते हैं तीन, हमारा जो यहाँ पर क्यू एक्स आएगा उसको हम ले लेते हैं एक्स की दो प्लस में तीन। हमने देखो क्यू और पी की घात एक करनी थी हमें, ये बराबर करनी है, तो हमने क्या किया एक गुणांक ऐसा ले लिया इस पूरे का जिससे कि आपको क्यों मिल जाए। आपको आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ तीन से गुणा किया है, तीन और यहाँ नौ, तो जी मैंने तीन मान लिया और क्यों मैंने मान लिया एक्स की दो प्लस में तीन, तो आर एक्स यहाँ पर आप देखोगे वो अपने आप आपका निकल के आएगा जीरो। कैसे, आप रख के देख लीजिए फॉर्मूले में, पी एक्स बराबर में जी एक्स गुणा में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा तीन एक्स स्क्वायर प्लस में नौ। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें घात हमारी जो पी और क्यू की घात है वो क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल। इसी तरह आपको बोला गया है घात क्यू और घात आर, यानी कि जो भागफल है, भागफल है और शेषफल है दोनों की घात क्या हो जाए हमारी बराबर हो जाए। सॉरी तो इसको हम कैसे करेंगे, हम देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज में, आपने देखा होगा वहां पर जो आपका भागफल आता है और शेषफल आता है वो हमारे दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। भागफल और शेषफल की घात हमारी आती है इक्वल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पी एक्स आप मान लेते हैं, यहाँ पे पहला सवाल आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं वहां पे आपने लिखा था एक्स की तीन माइनस में तीन एक्स स्क्वायर एक्स की तीन माइनस में तीन एक्स स्क्वायर प्लस में पांच एक्स माइनस में तीन। इसके बाद आपके पास वहां जी एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस टू, आप कुछ भी बहुपद यहां पर ले सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे आपको बहुत सारे बहुपद मिलेंगे। तो आपके पास यहां पर आता है क्यू एक्स जो कि था एक्स माइनस में तीन, और आर एक्स जो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा शेषफल निकल गया था वो आया था हमारा 7x माइनस में 9।
तो आप देख सकते हैं यहाँ जो घात आ रही है आपकी क्यू और आर की, वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। घात हम किसकी लेते हैं, जो एक्स की पावर होती है वो हमारी घात कहलाती है। इसके बाद हमारे पास इन्होंने कहा है कि ये जो घात है आर एक्स की वो क्या आ जाए, जीरो, मतलब कि जिसके अंदर एक्स नहीं आए। तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, हमारे पास पी एक्स हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपने ये ले लिया है। यहां पर हम हमें लेना है gx, gx हम ले लेते हैं x प्लस में 1, qx है qx हम ले लेते हैं x प्लस में 2। तो जो आपका rx यहां से निकल के आएगा वो आएगा आपका 3। कैसे, आप रख के देख लीजिए, यहाँ पे x की 2 प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर होगा हमारा x प्लस 1, x प्लस 2 और शेषफल है 3। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो x की 2 प्लस में 3x प्लस 2 प्लस में 3, तो ये हमारी बहुपद आ जाती है वापस से, यही बहुपद आ जाती है। तो आप ऐसी कोई भी बहुपद यहाँ पे ले सकते हैं जिनके हमें यहाँ पर एग्जांपल्स पूछे गए हैं, आप अपनी तरफ से भी इन एग्जांपल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का आपका काम यही है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हमारी जब भी एक्सरसाइज ख़त्म होती है तो एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, ये देखने के लिए कि आपको जो टॉपिक है वो कितना अच्छे से समझ में आया है। तो आज का जो हमारा सवाल है वो यही है कि आप एक एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है और मैंने कहा है ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनमें ये जो कंडीशंस हैं ये आपकी फुलफिल होती हैं। तो आपको क्या करना है, आज ये जो आपको तीन यहाँ पे पूछे हुए किसी भी एक का आपको px, gx, qx और rx कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। थैंक यू।